नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। हमारे यहां इंदौर शहर खजराने में नूरुद्दीन नारसवली सरकार का उर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 4 फरवरी को हमारे यहां नात का प्रोग्राम है। फिर दूसरी बात, दूसरे दिन हमारे यहां मुशायरा है, माने हुए अपने मुशायर हैं राहत इंदौरी जी, कुछ यूपी के भी आ रहे हैं कवि लोग, सारी जगह से कवि लोगों की हमने की है। बाकी उसके बाद में हमने कव्वाल पार्टियों को बुलवाए हैं, हिंदुस्तान के माने हुए कव्वाल लोग हैं, वो 3 दिन पूरा चलेगा। उसमें हम लोग पटेल समाज की ओर से काफ़ी बड़ा लंगर 3 दिन हर वर्ष आने उर्स की तरह चलता रहता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। बाकी जाहिरीनों के लिए अच्छी सुविधा है, लाखों लोग आते हैं हमारे यहाँ, सब धर्म के लोग आते हैं उर्स के कामयाब बनाने के लिए। सब भाई लोगों से, सब माँ बहनों, सारे बुजुर्गों से हमारी यही विनती है, दुआ करते हैं कि वो लोग आके हमारे उर्स को अच्छा से अच्छा कामयाब बनाए और किसी को भी किसी के साथ कोई परेशानी नहीं आए, यही दुआ करते हैं हम। हजी अरावली पटेल सदर खजराना दरगाह नारसवली बाबा। इस कलयुग में बाप बेटी के इस पवित्र रिश्ते को भी तार तार कर दिया गया है। ऐसा ही एक मामला बहुरासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम काकड़दा में उजागर हुआ है, जहां पर एक कलयुगी बाप पिछले 6 वर्षों से अपनी ही पुत्री से दुष्कर्म कर रहा था। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब 2 दिन पूर्व काकड़दा ग्राम में हुए नुक्ते के कार्यक्रम में लड़की ने अपनी व्यथा अपनी मौसी को सुनाई और मौसी यह मामला सीधे भोरासा थाना प्रभारी के सिंह के पास लेकर पहुंची। थाना प्रभारी के पास अपनी मौसी के साथ पहुंची लड़की ने अपनी आपबीती बताई, जहां पर बालिका की रिपोर्ट पर कलयुगी पिता के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। भोरासा थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम काकड़दा में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जिसके द्वारा आज थाना भोरासा में अपनी मौसी माँ व नानी के साथ भोरासा थाना पर आकर भोरासा थाना पर पूरा मामला बताया, जिसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जब मैं 10 तारीख के रोज रसोई में थी तो मेरे को पता चला कि यहाँ ऐसे ऐसे हरकत होती है, तो फिर मैंने मेरे रिश्तेदार को बुलाया और उनको बुलाकर फिर मैं यहाँ थाने पे यहाँ। हमारे यहाँ इंदौर शहर खजराने में नूरुद्दीन नारसवली सरकार का उर्स स्टार्ट होने जा रहा है। 4 फरवरी को हमारे यहाँ नात का प्रोग्राम है। फिर दूसरी बात, दूसरे दिन हमारे यहाँ मुशायरा है, माने हुए अपने मुशायर हैं राहत इंदौरी जी, कुछ यूपी के भी आ रहे हैं कवि लोग, सारी जगह से कवि लोगों की हमने की है। बाकी उसके बाद में हमने कव्वाल पार्टियों को बुलवाए हैं, हिंदुस्तान के माने हुए कव्वाल लोग हैं, वो 3 दिन पूरा चलेगा। उसमें हम लोग पटेल समाज की ओर से काफ़ी बड़ा लंगर 3 दिन हर वर्ष आने उर्स की तरह चलता रहता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। बाकी जाहिरीनों के लिए अच्छी सुविधा है, लाखों लोग आते हैं हमारे यहाँ, सब धर्म के लोग आते हैं उर्स के कामयाब बनाने के लिए। सब भाई लोगों से, सब माँ बहनों, सारे बुजुर्गों से हमारी यही विनती है, दुआ करते हैं कि वो लोग आके हमारे उर्स को अच्छा से अच्छा कामयाब बनाए और किसी को भी किसी के साथ कोई परेशानी नहीं आए, यही दुआ करते हैं हम। हजी अरावली पटेल सदर खजराना दरगाह नारसवली बाबा। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।